Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Assistant. Dear students, assignments ka time aa chuka hai. Assignments ki kya last date hai submission ki, kab aapne submit karwani hai assignments, kis tarah se submit karwani hai, tamam details discuss karne ja rahi hu is video mein. Jo students ke second third fourth semester hai unke liye to phir bhi ye cheeze itni zyada problematic nahi hai, lekin jo students newly enrolled hue hain jinka first semester hai वो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं और इस हवाले से AHA असिस्टेंट्स की कोशिश होगी कि आपके हर क्वेश्चन को हर प्रॉब्लम को दूर किया जाए. इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपका इशू हो, और इंशाल्लाह उसके हवाले से मैं आपको फुली गाइड करूंगी. अब देख लेते हैं कि असाइनमेंट्स के हवाले से क्या न्यूज है. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज तो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने, आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स को LMS पे अपलोड करना है. ठीक है, ये देखिए, ये AIOU की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन है. यहाँ पर आपके पास लॉग इन बटन है, यहाँ जाके आप अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करेंगे. पर वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी आगाही LMS पोर्टल का लॉग इन पासवर्ड नहीं स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ. जैसे ही रिसीव होगा मैं इस हवाले से आपको वीडियो बना के फुली गाइड कर दूंगी. जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर है, उनको तो ये चीजें ऑलरेडी पता है, पर न्यू स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना. अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट्स कैसे आपको मिलेंगी? क्या आपकी असाइनमेंट्स आपके होम एड्रेस पे डिस्पैच की जाएंगी? नो डियर स्टूडेंट्स, आपकी असाइनमेंट्स बहुत कम कोर्सेस ऐसे हैं जिनकी बुक्स और असाइनमेंट्स उनको डिस्पैच की जाएंगी, और उसकी डिटेल वो यहाँ पर बुक डिस्पैच स्टेटस से चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर एंटर करके. ठीक है, और ट्रैक कर सकते हैं कि क्या उनकी बुक्स डिस्पैच हो चुकी हैं या नहीं डिस्पैच हुई. अगर हो चुकी है, डिस्पैच स्टेटस यस आता है, तो वो अपने करीबी पोस्ट ऑफिस से इस हवाले से रब्ता कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी कोर्सेज ऐसे हैं स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट के जिनकी बुक्स डिस्पैच नहीं होंगी इस बार. तो आपने अपनी असाइनमेंट्स का क्या करना है, सिंपली आप एग्जामिनेशन में यहाँ पर देखें असाइनमेंट्स की ऑप्शन है, आप यहाँ असाइनमेंट्स पे जाएंगे. ये ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, अगर बैचलर वाले भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये बैचलर की असाइनमेंट से आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में गाइड कर दी थी, मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, अगेन उसे आप सुन लीजिएगा. यहाँ से आपका जो भी रिस्पेक्टिव कोड है ना, आप उसकी असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है, इसी तरह से जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम, उन्होंने यहाँ से अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेस की असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी कोर्स कोड है उनका, और उस पर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं. अब बात आ जाती है कि आपने अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट कब करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट्स का शेड्यूल भी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है. यहाँ पे देखिए असाइनमेंट शेड्यूल, सबसे पहले मैट्रिक का देख लेते हैं. तो मैट्रिक की जो है, क्योंकि मैट्रिक के कुछ 6 ग्रेडेड होते हैं और कुछ 3 ग्रेडेड होते हैं, तो 4 और 2 असाइनमेंट्स होती हैं, उनकी ये डेट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, असाइनमेंट 1 की, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट 4 की. ठीक है, इसी तरह से जिनका 3 ग्रेडेड है उनके 1 और 2 असाइनमेंट्स जस्ट सबमिट होंगी. ठीक है, ये डेट्स हैं आपकी असाइनमेंट सबमिशन की. इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट FA प्रोग्राम के देखें तो FA प्रोग्राम की भी आपको डेट्स यहाँ पर गिवन है, इसी तरह क्रेडिट कोर्स 3 और 6 के हिसाब से, यानी जिनकी 4 असाइनमेंट्स हैं और जिनकी 2 असाइनमेंट्स हैं. मैट्रिक और FA वालों ने अपनी असाइनमेंट्स को हैंड रिटन करके अपने ट्यूटर्स को पोस्ट करना होता है. ठीक है, अलबत्ता जो BA, अब आ जाते हैं BA प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए, BA वालों ने भी अपनी असाइनमेंट्स को हैंड रिटन करके पोस्ट करना है, BEd वालों ने नहीं करना, BEd वालों ने अपलोड करनी है. ठीक है, अच्छा ये इनकी डेट्स हैं असाइनमेंट की, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपनी बाहर 2021 सेमेस्टर का. इसी तरह से अब बात कर लेते हैं BEd, BS और ADE के हवाले से, आपने अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करना है LMS पोर्टल पे. अभी आप लोगों को लॉगिन और पासवर्ड नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा. अपनी असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर रखें ताकि जैसे ही लॉगिन पासवर्ड मिले फौरन से आप अपलोड कर दें. असाइनमेंट 1 की डेट है 22 अगस्त और असाइनमेंट 2 की है 10 अक्टूबर. ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बाकी असाइनमेंट की बात करें BS की, तो BS के जो है वो 15 अगस्त और 3 अक्टूबर. ठीक है, ये डेट्स हैं. अब अगर हम बात करें मास्टर लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएट असाइनमेंट्स की, तो डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट असाइनमेंट्स की अभी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुई डेट, लेकिन आपकी भी डेट्स ये BEd और BS के करीब करीब ही होंगी, या तो 5-10 डेज का गैप होगा. ठीक है, तो आप अपने माइंड में सेट रखें कि आपकी जो सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त है उसमें आपकी असाइनमेंट 1 की ड्यू डेट होगी, और इसी तरह से फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर में आपकी
असाइनमेंट टू की डेट्स होंगी, तो इट्स बेटर कि आफ्टर ईद आप बस प्रिपेयर अपना करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप ये जुलाई के एंड तक ही अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर कर लें, ताकि जैसे ही आपको लॉग इन और पासवर्ड मिले आप अपलोड कर दें. डोंट वेट टिल ऑगस्ट, ठीक है, ऑगस्ट तक वेट ना करें. सो होप सो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी क्लियर होगा कि आपकी असाइनमेंट की फर्स्ट असाइनमेंट की डेट है ऑगस्ट में और सेकेंड असाइनमेंट की डेट है अक्टूबर में. ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, बट इट्स बेटर कि अभी से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें. होप सो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी. डियर स्टूडेंट्स, इनामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब कुछ मौजूद है, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आई इंश्योर यू कि मैं आपको डिटेल में हर बात एक्सप्लेन कर दूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.